आते थे फिर गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट आई एम योर टीचर रूबीना स्टैंडर्ड 4 आई एम टेकिंग सब्जेक्ट इंग्लिश 2 आवर बुक इज गेट गोइंग ग्रामर नाउ यूनिट 11 एडहेसिव्स कनेक्टर्स कंजक्शन एंड लिंकिंग वर्ड्स नाउ व्हाट इज कंजक्शन तो कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो नामों को जोड़ते हैं दो सेंटेंस को जोड़ते हैं दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं उनको कंजक्शन कहा जाता है देर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ कंजक्शन इस तरीके के कितने कंजक्शन है चार तरीके के कंजक्शन है जैसे कि एंड बट और सो ये चार कंजक्शंस हैं सी हियर बनी हैज रिटन अ लेटर टू हिज पेन फ्रेंड देखो यहाँ पर बनी ने अपने दोस्त को खत लिखा है ही ऑल्सो यूज कंजक्शन लाइक दैट बट दैट एंड वाइल एंड 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 ऑल दीज आर कंजक्शन वाइल बट एंड सो और ऑल दीज आर कंजक्शन ही यूज कंजक्शन इन दिस लेटर उसने इस खत में क्या किसका इस्तेमाल किया है कंजक्शन का इस्तेमाल करके खत को लिखा है नाउ व्हाट इज कंजक्शन कंजक्शन क्या है कनेक्टर्स मतलब जोड़ने वाले है ना कंजक्शन दो वर्ड्स को जोड़ते हैं दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या दो नामों को जोड़ते हैं देखो कंजक्शन को कनेक्टर्स लिंकिंग वर्ड और एडहेसिव भी कहा जाता है वी यूज कंजक्शन टू जॉइन टू वर्ड्स और टू फ्रेसिस और टू सेंटेंसेस और टू क्लोजेस देखो मैंने पहले ही बता दिया कि कंजक्शन का इस्तेमाल हम लोग दो वर्ड्स को दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दो सेंटेंस को दो फ्रेसिस को जोड़ने के लिए करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निशा एंड रवि ये दो नाम हैं दो नाम को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल हुआ आर माई फ्रेंड्स ये दोनों मेरे दोस्त हैं गोइंग टू वर्ड्स ये देखो यहाँ पे निशा और रवि को जोड़ा है रवि इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास अब यहाँ पे क्या है रवि मेरा दोस्त है और वो क्लास का मॉनिटर भी है ऐसा दिया हुआ है अब यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा है रवि इज़ माई फ्रेंड और ही इज़ मॉनिटर ऑफ द क्लास ये दो सेंटेंस को जोड़ा है यहाँ पर और पहले निशा और रवि दो नामों को जोड़ा था बराबर या दो वर्ड्स को जोड़ा था स्पीकिंग ट्रूथ एंड हेल्पिंग अदर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी हैप्पी इन लाइफ देखो यहाँ पे क्या दिया है कि सच बोलना और दूसरों की मदद करना ये हमें ज़िंदगी में क्या बनाता है खुश बनाता है और चैन सुकून देता है बराबर हमारी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाता है अब यहाँ पे टू फ्रेसिस को फॉर्मिंग किया है सब्जेक्ट और सेंटेंस के साथ जोड़ा गया है स्पीकिंग ट्रूथ ये वाला और हेल्पिंग अदर्स ये दोनों फ्रेसिस को स्पीक एंड से जोड़ा गया है बराबर अब देखो इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस आर जो खास कंजक्शन है जो हम बोलने में और लिखने में इस्तेमाल करते हैं एंड ऑल्सो बट येट आइदर और नाइदर और देयरफॉर बिकॉज व्हाइल और व्हेन ये सब भी खास कंजक्शंस है जिसका इस्तेमाल हम लोग वी कैन यूज दिस कंजक्शन टू स्पीक इन इंग्लिश और टू राइट लिखने के लिए और बोलने के लिए दोनों इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए इन कंजक्शन का इस्तेमाल होता है वी यूज़ एंड टू कनेक्ट टू पर्सन्स एंड का इस्तेमाल दो पर्सन को जोड़ने के लिए जैसे दो नामों को जोड़ने के लिए और सिमिलर थिंग्स या दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ने के लिए फॉर फैक्ट और फैक्ट सॉरी फैक्ट मतलब कोई भी चीज़ हकीकत है कोई बात बतानी हो तो उसके अंदर भी एंड का इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी प्रोवाइड अस टेम्पररी एनर्जी टी और कॉफ़ी क्या है या टी एंड कॉफ़ी दो नाम है बराबर और टू पर्सन भी समझ लो कोई दो इंसान के भी नाम हो सकते हैं इसकी जगह पर प्रोवाइडर्स यानी प्रोवाइड करती है टेम्पररी एनर्जी यानी कि थोड़े वक्त के लिए एनर्जी देती है तो ये एक फैक्ट भी है तो यहाँ पर एंड का इस्तेमाल हुआ बराबर कंजक्शन बट इज़ यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस कन्वेइंग टू ऑपोजिट
थिंग्स और पर्सन ऑफ ऑपोजिट नेचर। अब देखो बट ऐसा कंजक्शन है जो ऑपोजिट नेचर बताने के लिए, दो इंसान एक दूसरे से ऑपोजिट है, जैसे कोई एक खुश हमेशा खुश रहता है और एक हमेशा उदास रहता है, तो ये बताने के लिए बट का इस्तेमाल होता है। और ऑपोजिट थिंग्स बताने के लिए या बता मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो जो एक दूसरे से ऑपोजिट है उसको बताने के लिए, या नेचर से हो या फिर दिखने में हो, वो दोनों बताने के लिए, कन्वे करने के लिए बट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, बट शी इज़ अनकाइंड, वो खूबसूरत तो है मगर अनकाइंड है, मतलब में वो काइंड नहीं है, दयालु नहीं है, बेरहम है। तो एक ही इंसान की दो नेचर बताने के लिए भी बट का इस्तेमाल होता है। वी कैन यूज़ बट ऑल्सो फॉर कन्वेइंग ऑपोजिट नेचर। सी ओवर हियर, वी यूज़ आइदर और नाइदर नॉट टू कनेक्ट टू वर्ड्स और फ्रेसिस व्हेन वी आर एक्सेप्टेड टू चूज ओनली वन और वी डोंट चूज आइदर ऑफ द टू। अब देखो यहाँ पर क्या है, आइधर और का इस्तेमाल दो में से कोई एक चीज़ को पसंद करने के लिए होता है, और नाइधर नॉर का दोनों में से एक भी नहीं बताने के लिए होता है, और ये दोनों के दोनों कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव आइधर टी और कॉफ़ी, यू कांट हैव बोथ, जैसे कि तुम चाय ले सकते हो या तो कॉफ़ी ले सकते हो, है ना, दोनों चीज़ साथ में नहीं ले सकते। ही नाइदर कम नॉर इन्फॉर्म, देखो अब ये पहले में आइधर और का इस्तेमाल हुआ, दूसरे में क्या दिया है, ही नाइदर कम नॉर इन्फॉर्म, वो आया भी नहीं और उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, यानी ये दोनों बातें नॉट वाली है। इस जहाँ पर नॉट है नकार वाली वाक्य, जहाँ पर नेगेटिव बताना हो वहाँ पर नाइदर नॉर का इस्तेमाल होगा, और जहाँ पर पॉजिटिव बात बतानी हो या एफर्मेटिव बताना हो तो वहाँ पर आइदर और का इस्तेमाल होगा, या दोनों में से कोई एक ऐसा बोलना है तो आइदर और, या दोनों में से एक भी नहीं तो नाइदर नॉर। ठीक है, वी यूज सो देयरफॉर टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट हैपन, जो चीज़ हो गई है उसका जो नतीजा निकलता है या उसका जो रिजल्ट आता है वो बताने के लिए सो और देयरफॉर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल ही ब्रोक हिज आर्म, यानी उसका हाथ टूट गया है, सो ही डिडंट प्ले फॉर इंडिया इन द क्रिकेट मैच, यानी उसका हाथ टूट गया है इसलिए वो इंडिया में मैच नहीं खेल सकता। तो यहाँ पर रिजल्ट बताया गया है कि भाई हाथ टूटने की वजह से वो खेल नहीं पा रहे, बराबर। द कंजक्शन बिकॉज टेल अस वाई समथिंग हैपन, बिकॉज क्या बताता है, रीज़न बताता है कि भाई ये काम क्यों हुआ। वाइल एंड वैन बोथ टेल अस वैन समथिंग हैपन, और वाइल और वैन भी तब इस्तेमाल होता है जब कुछ होता है। वी यूज़ वाइल टू इंडिकेट टू थिंग्स, वाइल का इस्तेमाल जब दो चीज़ एक साथ होती है तब बताने के, थिंग्स हैपनिंग टूगेदर, दो चीज़ें एक साथ होती है उसको बताने के लिए वाइल का इस्तेमाल होता है। वैन टेल अस अबाउट द टाइम दैट वी रिफर टू, और वैन जब बताता है टाइम बताता है कि भाई ये काम कब हुआ है, वो बताने के लिए वैन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल ही कूडंट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस बिकॉज ही एज अ पुअर विजन, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो उसको दिखाई बराबर नहीं देता इसलिए। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज रीजन बताया गया। देखो वाइल ऑन द ट्रिप आई शॉप अ लॉट, यहाँ पर बताया गया कि भाई ट्रिप के दौरान मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, वाइल ये वक्त बताता है, यहाँ पर क्या बताता है, वक्त बताता है, और ये भी कनेक्टर है। When I was in class वन, जब मैं क्लास वन में था, I cried for small things, जब मैं छोटा था या छोटी थी तब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए रोया करती थी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो all these are because, while, when, and, so, therefore, either or, neither, nor, all these are conjunctions, connectors, adhesives, ये सब कनेक्टर से कंजक्शन से दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेसिस को, दो नामों को जोड़ने का काम करते हैं। वी यूज़ दिस कंजक्शन इन आवर लैंग्वेजेस, हम हमारे लैंग्वेजेस भाषाओं में इसका इस्तेमाल करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड दिस वीडियो इज़ कैप्ट ऑन इन योर ऑनलाइन ऐप, इकरा स्कूल के ऐप में इस वीडियो को रखा गया है, तो आप लोग ये वीडियो पर से भी ये लेसन को समझ सकते हो। ओके, बाय स्टूडेंट्स।